हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ की एक्सरसाइज 1.1। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट को सोल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको क्लास टेंथ मैथ की प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड को अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? नंबर आपके 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ये कितने पर जाएगा? 2 पर जाएगा। 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, 3 से क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3। 15 को करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो ये 3 पर जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 1 by 1 करके इनको राइट करेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर आए आपके 2 multiply 2 multiply 3। 15 के 3 multiply 5 और 21 के आगे आपके 3 multiply 7। ठीक है, अब एलसीएम देखना आपने। तो यहाँ पर देखो 2 की कितनी पावर हो जाएगी, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 होगी और मल्टीप्लाई 3। ये 1 टाइम है तो इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम के लिए आपने हाईएस्ट पावर को देखना है। तो सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। तो यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है तो 2 multiply 2। ठीक है, अब आपने 3 को उठाना, 3 की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पर 3 की 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी कि हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही है। तो आपने 3 को राइट कर देना है। इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। यानी कि एलसीएम के लिए आपने हाईएस्ट पावर को देखना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको राइट कर देना है। देन उसके बाद सभी नंबर्स की पावर देखनी है कितनी है। एलसीएम यहाँ पर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 12, 5 = 60 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पर देखो आपको 3 यहाँ पर भी नज़र आएगा, यहाँ पर भी नज़र आएगा और यहाँ पर भी नज़र आएगा। इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है? सेकेंड पार्ट में आपके नंबर है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। तो देखो ये तीनों नंबर्स क्या है? आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर तो ये 1 पर ही जाएगा, ये 1 पर ही जाएगा और ये भी 1 पर ही जाएगा, यानी कि वही नंबर आ जाएगा 17 multiply 1। 23 की आ गई आपकी 23 multiply 1 और 29 की आ जाएगी 29 multiply 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा जब प्राइम नंबर होते हैं ना, तो उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी उसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 17, 23 और 29 तीनों की मल्टीप्लाई आपने कर देनी है 17 की और 23 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 23 के साथ कर देते हैं। और यहाँ पर पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 2 digit नंबर की मल्टीप्लाई आप फास्टली से कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी। 3 9 = 27, लास्ट डिजिट आपकी 7 है, 2 आपकी कैरी हो जाएगी, प्लस दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 = 6, प्लस 2 9 = 18। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। और 2 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, 2 2 = 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। यानी कि इन तीन दो की मल्टीप्लाई आ गई 6 से 7 और बचा आपका 17। अब आपने इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 7 = 49, 4 कैरी, 7 6 = 42, 42 प्लस 4 = 46, 4 कैरी, 7 6 = 42, 42 + 4 = 46। अब 1 से करेंगे 7 6 6 9 3
थ्री इलेवन। तो यहाँ से एलसीएम आ गया हमारा 11339, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली वन ही कॉमन है, तो वन ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में नंबर हैं आपके 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। अब 8 का करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 25 के निकालेंगे तो 5 पर जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद आपने 1 by 1 करके इनको राइट कर देना है इनके प्राइम फैक्टर। तो 8 के आगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 रेज टू पावर 2। और 25 की आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5, 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, एस सी एफ क्या आ जाएगा, एस सी एफ देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने 2 उठाया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी 3, इसको राइट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देन आपने 3 उठाया, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2 2 जा, अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 10 10 जा कितना हो गया 100। ठीक है, बचे 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 1800। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट एचसीएफ इसका इक्वल है 9 के, फाइंड आपने एलसीएम फाइंड करना इन दोनों का, यानी कि आपको एचसीएफ गिवन है दो नंबर का और फाइंड क्या करना आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो नंबर कौन कौन से आपके, नंबर आपके 306 और 657। अब यहाँ पर आपने लंबा प्रोसीजर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एचसीएफ बोला है। जब आपको एचसीएफ बोल दिया है तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ इक्वल होती है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इक्वल होती है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम की। और यहाँ पर एचसीएफ आपको कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो एचसीएफ की जगह आप 9 पुट करोगे, एलसीएम को आप एज इट इज राइट करोगे, फर्स्ट नंबर आपका है 306 और सेकेंड नंबर आपका है 657। ठीक है, आपने ये वाला तरीका यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज करना है। अब एलसीएम निकालोगे तो ये देखो मल्टीप्लाई में है, अगर इधर मल्टीप्लाई में होता है राइट हैंड साइड में आप लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 की मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 9 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से आपको काट देना है, 9 से काटोगे आप, अब बच्चे अक्सर क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं, अगर आप उसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो 9 से काटेंगे, 9 7 जा 63, बचा 2, 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 306 की और 73 की मल्टीप्लाई करनी है। 306 की 73 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अब 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 4 एनी नेचुरल नंबर n, कि ये पूछा गया कि आपने चेक करके बताना है कि क्या जो 6 रेज टू पावर n है और n क्या है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, क्या वो अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ये आपने चेकआउट करना है। ठीक है,
इसको आपने कैसे करना, अब देखो पहले एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 raised to power n, n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को तो सभी जानते होंगे, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं कि बेटा ये कितनी फिंगर है, 1, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम 1 से ही सिखाना स्टार्ट करते हैं, जब थोड़ी बड़ी क्लास में हो जाते हैं तब 0 से सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएँ हैं वो क्या है आपकी नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम 6 raised to power 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 1। 6 raised to power 2 करते, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर 2 लिया तो क्या हो जाएगा, 36। 6n की जगह अगर हमने 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 विच इज इक्वल टू 2016। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट केस क्या है, 6 last digit 6 last digit 6, यानी कि आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो लास्ट डिजिट ऑलवेज कम 6, हमेशा ही लास्ट डिजिट आपकी 6 आएगी। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगी। अब देखो 0 किस केस में आ सकती है, अगर आपके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिल जाते हैं तभी आपकी 0 आएगी। प्राइम फैक्टर में यदि 2 और 5 होगा तभी आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इसकी लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो अब इसको वर्डिंग में आपको कैसे लिखना है, तो क्या लिखोगे, If the number 6 raised to power n, for any natural number n, if the number 6 raised to power n ends होगा with the digit 0, अगर वो 0 से end होगा तो क्या होगा, वो 5 से divisible होगा। ठीक है ना, अगर 0 से एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कहने बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to power n क्या होते हैं, 2 × 3 raised to power n। ठीक है ना, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी नेचुरल नंबर के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो यूनिक होते हैं। अब यूनिक होते हैं तो इसके तो प्राइम फैक्टर फिक्स हो गए, भाई 2 और 3 आएगा, तो 5 तो कहीं आया ही नहीं ना। ठीक है ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस यही कहती है कि जो भी प्राइम फैक्टर आते हैं वो यूनिक होते हैं। तो क्या लिख देंगे, देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, कि 6 raised to power n में 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो n जो बिलोंग करता है नेचुरल में, फॉर विच, जिसके लिए क्या हो जाएगा, 6 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके 2 और 5 फैक्टर आते हैं तो उसमें लास्ट डिजिट आपकी 0 आएगी, अदरवाइज आपकी 0 नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 = 3, 2, 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम वर्सेस कंपोजिट, एक कंपोजिट होता है एक प्राइम होता है।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्राइम नंबर को आप क्या बोलोगे? अगर सिंपल भाषा में समझे तो जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जो किसी के टेबल में आ जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसमें ओनली टू फैक्टर होते हैं, इसमें मोर देन टू फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए वन जो होता है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। वन जो होता है वो प्राइम की और कंपोजिट नंबर की किसी भी नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर आपसे पूछ लिया कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो इवन प्राइम नंबर आपका टू हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर आपका टू हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो भी टू पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाता है, वो भी टू होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13 और क्या दे दिया, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये दोनों पूछे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है। एक्स मतलब कंपोजिट नंबर पूछे आपने, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर दिखा देने हैं। अब ये देखो, यहाँ से देखो दोनों में क्या है, 13 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और प्लस बीच में प्लस का निशान है 13, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। तो 13 को कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा 7 × 11 × 1 और यहाँ से बच जाएगा आपका 1, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 77 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 13 × 78। तो अब ये देखो 78 के अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 6 जा को तोड़ेंगे 2 और 3, 13 6 जा 78 होता है ना। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 फैक्टर आ गए उसके, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर आ गए, 4 फैक्टर आ गए, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। सेम वे में हम इसको लेंगे, अब ये क्या है, 9 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 9 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 × 1 और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 और 9 × 6 = 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई 96, तो 1296 आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1297 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1297, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 1297 × 1 लिख सकते हो। यानी कि अगर आप इसको देखोगे कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पर 1 2 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर क्या हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। सो क्या लिख दोगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 7th क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप एक बार देख लीजिए। 7th क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, सॉरी, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि कोई सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, कि सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड को पार करने में और रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं, एंड द सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपसे पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे समझोगे इसको, अब ये देखो एलसीएम और एससीएफ का चैप्टर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आना
स्वाभाविक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्या होती है कि इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी कि सबसे बड़ा नंबर होता है, और एलसीएम क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इतना आपको पता है। अब देखो अगर कोई नंबर एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दो नंबर से जो भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हो उन नंबर्स के या तो इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है। एचसीएफ कभी भी उन दोनों नंबर से ग्रेटर नहीं होता है। तो अगर नंबर छोटा आता है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना, अगर नंबर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। ये माइंड में रखना है कि जब भी इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक फाउंड करना है, तो अगर बड़ा नंबर आता है, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा, तब आपने छोटा नंबर आता तो आप एचसीएफ फाइंड कर देना, बड़ा नंबर आता तो आप एलसीएम फाइंड कर देना है। अब देखो इसको कैसे समझोगे, यहाँ पर देखो कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब मान लो ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका, तो यहाँ से सोनिया टेक्स, मान लो सोनिया स्टार्ट करती है इस पॉइंट से, तो उसने कितने मिनट लेती है एक चक्कर को कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स लेती हैं, ठीक है। और रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है तो वो एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लेता है। अब ये देखो ये थोड़ा धीरे चलता है, ये थोड़ा तेज चलती है। अब जब ये पता नहीं है कौन कितने चक्कर के बाद एक दूसरे से मिलेगी, हो सकता है कि इसको इसके चार चक्कर हो जाए, इसके तीन चक्कर हो, ठीक है, तो ये कब मिलेंगे। तो अब ये देखो जो आपका जो भी टाइम पूछा गया है कि वो कब मिलेंगे, वो कभी भी इनसे छोटा तो हो नहीं सकता, इनसे छोटा तो हो नहीं सकता, इनसे बड़ा ही आएगा ना। हो सकता है तीन चक्कर लगाने के बाद उनका मिलन हो या फोर चक्कर लगाने के बाद मिलन हो, तो ज़्यादा मिनट हो जाएंगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपने क्या करना है, 18 का और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। तो ये 2 9 18, एलसीएम आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, मर्जी आपकी, अलग अलग से प्राइम फैक्टर करके करो या कंबाइन करके करो। तो अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप एलसीएम फाइंड, तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 और 3 3 9, 3 2 6, ये क्या आ जाएगा, 1 2, ये आ जाएगा 1 1। तो यहाँ से इनके एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 3 3 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 12 36 यानी कि 36 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट के बाद वो दोनों का मिलन होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।